हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है विकास, मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये चैनल बेसिकली ब्लॉगिंग चैनल है, वीलॉग चैनल है। तो हम लोग गाइस इसमें कहीं अगर ट्रैवल करते हैं तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। सब कुछ जाते कैसे हैं, क्या कॉस्टिंग आता है, क्या बजटिंग आता है, सब कुछ। अगर हमारी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप देख पाओ कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जीते हैं। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग ही आपका सब कुछ, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट ब्लॉग अगर अच्छा हुआ तो आपके आगे भी सब कुछ अच्छे होंगे। तो होप सो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेके आया हूँ। ये ब्लॉग है गाइस, हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। तो अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, दिल्ली आ चुका हूँ। तो ये हमारा ब्लॉग दिल्ली टू स्पीति रहेगा। तो गाइस, मतलब अभी तो लाइक जून का महीना है, जून आने वाला है। तो अभी इतना ऑलमोस्ट यहाँ पे दिल्ली में मान के चलो 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और स्पीति में मैं अभी जस्ट टेम्परेचर चेक किया था तो -14 डिग्री चल रहा है। तो सोच लो क्या अंतर है। बस होप सो मैं ये करने वाला हूँ कि मुझे तबीयत ना ख़राब हो जाए। बाकी सबको सही है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे मिल्की वे शॉट दिखाऊंगा, मिल्की वे का टाइम लैप्स दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो को पकड़ के रखना है। इस वीडियो को पकड़ के रखने के लिए क्या करना होगा, बस सिंपल सा है। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, आपको उसे दबाना है। आप उसे सब्सक्राइब कर दो गाइस, आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज भी मिलते रहेंगे। तो गाइस, पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर मैं ये वीडियो एक ही वीडियो बनाता स्पीति, तो गाइस डायरेक्ट मैं स्पीति नहीं जाऊँगा। पहले डंकर जा रहा हूँ, फिर स्पैलो जा रहा हूँ, फिर मठ जा रहा हूँ, फिर पिन वैली जा रहा हूँ, देन काजा जा रहा हूँ। तो गाइस, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 9 दिन का जर्नी है। तो गाइस, ये ब्लॉग मैं आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर एक जगह का आपके पास शेयर करूँगा, हर एक जगह में जाऊँगा और उसमें ब्लॉग एंड करूँगा। तो गाइस, बेसिकली आप मान के चलिए पूरे स्पीति का 5 पार्ट में मैं आपको ब्लॉग देने वाला हूँ। हर एक ब्लॉग आपका मुश्किल से 7 से 8 या 10 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में मैं आपको सिनेमेटिक फुटेजेस भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। तो गाइस, बस आप लोग वीडियो में बने रहें और अपना प्यार हमें दिखाएं। ये नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल राइज होगा। और गाइस, आप लोग अच्छे सपोर्ट करोगे तो जैसा भी आप लोग सपोर्ट करो, बस सपोर्ट करो। और गाइस, चलिए, मेरे सारे पैकिंग हो चुके हैं, मैं आपको पहले अपना पैकिंग दिखा देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, अगर आप इस जगह पे जा रहे हो तो लाइक आपको तो 3-4 जैकेट तो ज़रूरी है। तो जैकेट के लिंक्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ। तो मैंने जैकेट लिया है डिकैथलॉन से लिया है, और शूज भी मैंने वहीं से लिया है, परचेस किया है। तो मैं उसके लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो सिंपली। तो गाइस, चलिए वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। आज जैसे कि आज मेरा ट्रेन है रात को 11 बजे, तो रात को 11 बजे ट्रेन है, मैं सुबह चंडीगढ़ 5 बजे पहुँच जाऊँगा। और मेरे जितने टीम मेम्बर हैं वो लोग कोलकाता से आ रहे हैं बाई फ्लाइट, और मैं दिल्ली से आया हूँ क्योंकि दिल्ली में मुझे कुछ काम था, तो मैं सोचा ये काम भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आज रात को 11 बजे मुझे निज़ामुद्दीन स्टेशन से मेरा आज ट्रेन है। तो गाइस, चलिए, पैकिंग तो सब कुछ हो चुका है और बस वेट है। तो मैं आपको सारे जर्नी एक्सपीरियंस कराता हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहें और अपना प्यार हमें दिखे। पहले आपको दिखाता हूँ चल के कि मेरा सारा पैकिंग हो चुका है, मेरे सारे बैग पैक्ड हो चुके हैं। ये देख लो, ये एक लगेज, दूसरा मेरा कैमरा बैग, तीसरा मेरे सारे लाइट्स वगैरह हैं, ये छोटा मेरा हैंड बैग। ये मैं 4 बैग के साथ स्पीति की ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए, और मैं आपको सीधे अब स्टेशन में मिलता हूँ, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा क्या करूँगा मैं आपके साथ, सोच रहा हूँ वार्तालाप कुछ कर लूँगा। तो हम लोग मिलते हैं निज़ामुद्दीन में, आप सीधे डायरेक्ट। गाइस, कुछ खाना खा लेता हूँ मैं चल के यहाँ पर, क्योंकि अब फिर रात में 11 बजे कहीं खाना भी नहीं मिलेगा। सो चलते हैं, फटाफट से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ स्टेशन पे। हाँ, तो गाइज़, मैं चंडीगढ़ आ चुका हूँ, और गाइज़ ब्लॉग तो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा शाम के बारे में। ये शाम का प्लान काफ़ी हैक्टिक हो गया था क्योंकि मैं वेस्टर्न कोर्ट से गया था स्टेशन की तरफ, तो स्टेशन में पता चला कि ट्रेन 3-4 घंटे लेट है। तो 3-4 घंटे लेट है तो यार, मॉर्निंग में अगर मैं चंडीगढ़ पहुंचता तो वहाँ का टाइम टेबल सारा बिगड़ जाता। तो गाइज, मैंने क्या किया, तुरंत एक बस बुक कर लिया आधा घंटे के बाद ही। जस्ट मैं स्टेशन पहुंचा था 10 बजे,
तो 10:30 का मैंने बस बुक कर लिया वॉल्वो, जो कि कश्मीरी गेट से मुझे पकड़ना था। तो गाइज यहाँ पे पंगा ये हो गया था कि आधे घंटे में मुझे निजामुद्दीन से कश्मीरी गेट जाके बस को पकड़ना था। ये चैलेंजिंग था। तो गाइज ये काफ़ी चैलेंजिंग था कि 30 मिनट में ही आपको जाके वहाँ पे पकड़ना है बस। तो मैं तुरंत ही गया गाइज वहाँ पे बस पकड़ने के लिए। अब बस तो पकड़ा गया। तो मॉर्निंग में मैं चंडीगढ़ आया हूँ और आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे ट्रैवलर खड़ा है। अब इसी ट्रैवलर से हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है और हमारे भैया भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, वही हमें स्पीडी लेके जाएंगे। तो गाइज बस अब कुछ देरों में हमारे बाकी के भी टीम मेम्बर आ जाएंगे, फिर उनके साथ हम लोग एयरपोर्ट उनको पिक करके सीधा स्पीति के लिए रवाना हो जाएंगे। तो गाइज हम लोग अपने फर्स्ट लोकेशन के लिए निकलेंगे जिसका नाम है नारकंडा। तो गाइज नारकंडा यहाँ से करीबन आपको अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है, जो कि आपको यहाँ से 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो गाइज चलिए आपको नारकंडा दिखाएंगे, जो कि यहाँ ऊपर जाके 3600 के आसपास 3600 फीट ऊपर है, शिमला से भी काफ़ी ऊपर है। तो चलिए मैं आपको जाके दिखाऊंगा पहले लोकेशन नारकंडा, और उसके बीच में आप वीडियो में बने रहे गाइस, क्योंकि वीडियो में बने रहेंगे तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा पूरा जर्नी। जो मेन है वो पूरा जर्नी है। सो बी इन दिस वीडियोस। फाइनली गाइस 5 बज गया हमें यहाँ पहुँचने में, और हमारे बैक में देख सकते हो हम इस होटल में आज स्टे कर रहे हैं जिसका नाम है होटल नारकंडा हिल्स। और गाइस आज हमारा एक दिन के लिए घर यही होगा। और गाइस आज कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, आज कोई एस्ट्रो वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आज जस्ट लाइक एक टेस्ट शॉट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप पता है रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइस ये काफ़ी शांत है, मतलब यहाँ लाइक कुछ ज़्यादा होटल्स हैं नहीं, 3-4 होटल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, एक ये है और 2-3 और होम स्टेस होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बिल्कुल वातावरण बिल्कुल शांत है। तो गाइस चलिए मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ होटल्स वगैरह क्या है, कैसा है रूम हमारा। चलिए चलते हैं रूम में। तो गाइस हम लोग अपने फर्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं जिसका नाम है नारकंडा, और ये गाइस 2708 मीटर ऊंचा है, और ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बोल सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट लोकेशन है, स्पीति जाने के रास्ते में फर्स्ट लोकेशन है। तो गाइस ये यहाँ पे आपको बेसिकली ज़्यादा ठंड नहीं मिलता है, 18 डिग्री 16 डिग्री 15 डिग्री के अराउंड मिलता है। बट गाइस इमेजिन करो अगर आप दिसंबर में आओगे ना, ये जो पीछे आप हरियाली देख रहे हो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको आइस दिखेगा, सिर्फ बर्फ़ दिखेगा, स्नोफॉल दिखेगा, क्योंकि ये शिमला से बहुत ऊपर है। शिमला से अराउंड 3 से 4 घंटे का रास्ता है, और ये चंडीगढ़ से 178 किलोमीटर है गाइस। और ये स्पीति जाने का हमारा फर्स्ट स्टेप है नारकंडा, क्योंकि हम लोग अपने होटल में भी आ चुके हैं, मैं अपने होटल की बालकनी में ही खड़ा हूँ। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ का एकदम बिल्कुल शांत वातावरण है। यार मैं जानता हूँ गर्मी से लिटरली बहुत परेशान हो गया था धनबाद में, तो मैं सोचा चलो यार वहाँ पे स्पीति चल रही था घूम भी लूँगा और अपना एस्ट्रो शूट भी कर लूँगा वहाँ पे। और माना जाता है कि स्पीति वैली में एक अलग ही एस्ट्रो शूट होता है, और यहाँ पे गोल्डन आवर शूट भी हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस फंडा यही था मेरा आने का, मेन मोटिव घूमना नहीं था, मेन मोटिव मेरा काम था यहाँ पे आने का। तो काम आज से नहीं, कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल हमारा दूसरा लोकेशन होगा इस्पेलो में। इस्पेलो जाएंगे हम लोग, जो कि यहाँ से 68 किलोमीटर है, 2 घंटे का जर्नी है। तो गाइज कल हम लोग शूट करेंगे वहाँ पे, और आज गाइज यहाँ पे रेस्ट डे है, आज हम लोग को रेस्ट करना है, क्योंकि आज लिटरली मैं 2 दिन से काफ़ी थक गया हूँ ट्रैवल कर करके, सोया नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। और मैं सबसे फ्रंट सीट में था, मैं सो भी नहीं सकता था, क्योंकि ड्राइवर भैया को प्रॉब्लम हो जाता अगर मैं सोता तो, इसलिए मैंने भी नहीं सोया कि उनको प्रॉब्लम ना हो। जो होटल है ना ये काफ़ी एकांत एरिया में, कोई मार्केट प्लेस नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल शांत बिल्कुल एकांत में है। और गाइज चलिए मैं अपना ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ, जो कि मेरा पहला ब्लॉग है, और मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी चैनल को देखे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐसे ब्लॉग लाता रहूँगा। और मेन तो हमारा लास्ट ब्लॉग जाएगा स्पीति को लेके, इस ट्रिप का लास्ट ब्लॉग, ऐसे लास्ट ब्लॉग नहीं, वो ब्लॉग तो आते रहेंगे हम डेली। तो गाइज चलिए हम लोग मिलते हैं
आपको दिखाते हैं थोड़ा हम लोग किस होटल में रुके हैं, इसका रूम कैसा है वगैरह वगैरह सब कुछ, आप लोग वीडियो में बने रहे। सो गाइज, मेरे फर्स्ट लोकेशन नारकंडा हिल्स होटल है जो कि नारकंडा में है। तो ये काफ़ी अच्छा रूम है, वेल मेंटेन रूम है, इसमें दो लोग रुक सकते हैं। और आपको वहाँ पे अलमारी भी दिया गया हुआ है जिसमें आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं, बड़ा सा मिरर भी दिया हुआ है कि आप रेडी हो सकते हैं, और शू रैक भी दे रखे हैं, और गाइस कुछ चेयर भी दे रखे हैं आप उसमें बैठ सकते हो। यहाँ एक छोटा सा टीवी भी दिया गया है और वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि इसमें अटैच वॉशरूम है। तो गाइस बहुत ही अच्छा रूम है, व्यू भी बहुत अच्छा है बाहर का देख सकते हो। अभी तो 7:30 बजे यहाँ सनसेट होता है, अभी तो 5 बज रहे हैं, बहुत टाइम है अभी सनसेट होने में। तो चलिए आपको मैं सनसेट दिखाता हूँ, रूम तो दिखा दिया है। हो चुका है और मॉर्निंग में मैं आपको रॉ आवाज़ सुना रहा हूँ विदाउट एनी माइक, क्योंकि आप सुन सकते हो कि यहाँ पे कैसा माहौल है। और गाइस ये सीन आपको सिटी में कहाँ मिलेगा। अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, अभी बादल से ढका हुआ है और मैं आपको सारा रॉ आवाज़ सुना रहा हूँ। यहाँ पे बडिंग भी लाइक ठंड में तो बट सारे यहाँ से चले जाते हैं, और ये जो समर सीज़न होता है तो सारे बड यहाँ आ जाते हैं। तो ये बडिंग के लिए जो बडिंग फोटोग्राफर्स है तो उनको लिए उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, वो यहाँ पे आके बडिंग कर सकते हैं। बस गाइस आप ये देखें यहाँ का माहौल कैसा है, बस आप वो फील करें। ये गाइस होटल का फ्रंट व्यू है मॉर्निंग में, आप देख सकते हो किस प्रकार आपको बादल दिख रहा है। यू कांट इमेजिन गाइस, मैंने अभी टाइम लैप्स के लिए वीडियो बैठा दिया है, जस्ट टाइम लैप्स हो रहा है, ये सब मैं शेयर करूंगा आपके लिए। गाइस वी इन दिस वीडियोस, और मैं अब बस नारकंडा कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं इस पेलो की तरफ। तो बस यहाँ से जितना फुटेज देख लो आप बर्डिंग के, यहाँ मॉर्निंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बर्ड्स दिखते हैं, वो देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा गाइस। तो गाइस मॉर्निंग व्यू मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया है यहाँ पे। अब कुछ घंटों में हम लोग निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से। तो गाइस बेसिकली बनना यही था यहाँ पे, जब भी आप अगर इस सीजन में आओगे तो आपको नॉर्मली ज़्यादा जैकेट्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ तो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मॉर्निंग और नाइट के टाइम तो आपको ठंड लगने वाला है। और दिसंबर में गाइस ये जो आप देख रहे हो पीछे ग्रीनिश, ये कुछ भी ग्रीन नहीं होता है, ऑलमोस्ट सारे कुछ वाइट हो जाते हैं, सब कुछ आइस से ढक जाता है, क्योंकि ये शिमला से बहुत ऊपर है। आप मान के चलो, इमेजिन करो कि शिमला से ऊपर जो कुल्फी आता है वो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, तो इसका क्या हाल होगा। और गाइस यहाँ का माहौल कुछ अलग ही चीज़ बता रही है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो और जितना कुछ मैं देख पाया हूँ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ओके तो गाइस कल नाइट में हमारा एस्ट्रो शूट का जो था डेमो नहीं हो पाया, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे तो स्टार्स एक भी नहीं हो पाए, क्योंकि स्टार्स दिख ही नहीं रहे तो स्टार होना पॉसिबल ही नहीं है, और जब स्टार नहीं दिख रहे तो मिल्की वे का कोई चांस ही नहीं है। तो गाइस डोंट वरी, अभी ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेन लोकेशन आना बचा हुआ है। ये लोकेशन हमने इसलिए चुना था बस एक रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सब लोग इतने दूर से आ रहे हैं तो एक दिन रेस्ट कर लेंगे। तो हम लोग इस पहले हो जाएंगे वहाँ से, अभी बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। अभी हम लोग इस पहले हो जाएंगे सबसे फर्स्ट, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे मढ़,
उसके बाद वहाँ से जाएंगे पिन वैली, 2 दिन पिन वैली में रुक रहे, वहाँ पे काजा भी है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट लोकेशन आपका हमारा लांजा, जो कि वहाँ पे एक हिस्टोरिकल बुद्धा का मूर्ति है, वहाँ पे भी हम लोग मिलके वे करेंगे। और गाइज रिवर का, रिवर आपको मिलेगा पिन वैली में मिलेगा, यस नागपुर रिवर भी है, तो वो सब सब मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तब मेरा वीडियो मिल पाएगा। तो गाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ये जो होटल है, होटल नारकंडा हिल्स, मैं इसके बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ। इस होटल में स्टे करते हैं, देखिए नारकंडा में अगर आप सिटी में स्टे करोगे तो काफ़ी रस मिलेगा, मतलब सिटी बोल रहा हूँ, मेन मार्केट में अगर स्टे करोगे तो रस मिलेगा। ये थोड़ा होटल शांत है, क्योंकि आप हिल स्टेशन में आते हो यार, थोड़ा तो करोगे कि मुझे थोड़ा शांति मिल पाए। तो गाइज उसके लिए ये बहुत ही बेटर होटल है, होटल नारकंडा हिल्स है, आप सर्च कर सकते हो, मैकमेट्रिक में भी आपको मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। तो गाइज इनका एक दिन का कमरा का भाड़ा है पर कपल 2500 rupees विद फूडिंग। तो ठीक है, अगर बुक करना होगा तो इसे बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में अपने भेज दूंगा, इनका नंबर भी कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दूंगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर डायरेक्ट आप इनसे कॉल करके बात करोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इनसे कॉल करके बात करो। और गाइज चलिए अपना सफ़र जारी रहेगा, अभी सफ़र एंड नहीं हुआ है ना, एंड करना है अभी, तो अपने सफ़र को हम और यादगार बनाएंगे आपके साथ, बी इन दिस वीडियोस। ब्लॉग यही था अपना फर्स्ट लोकेशन नारकंडा के ऊपर, जो कि हमारा ब्लॉग अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं, मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। मैंने आपको सनसेट दिखाया और यहाँ पे सनराइज़ दिखाया, होटल दिखाया, यहाँ के वातावरण दिखाया। तो गाइज आप लोग चीज़ ना बोले सब्सक्राइब करना ना बोले। तो गाइज हम लोग अपने सेकेंड लोकेशन पर जा रहे हैं, स्पेलो की, जो कि यहाँ से 68 किलोमीटर है। और गाइज उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग काफ़ी आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करोगे तभी हमारे चैनल आपको मिल पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि सेकंड ब्लॉग इस पहले का होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे।